नमस्कार दोस्तों वेलकम टू दोचार जो एजुकेशन स्टडी फ्रेंड्स देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तो कर्नाटका की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर आप आपका दिया गया जो कि फाइनल काउंसलिंग को लेकर है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद है तो लाइक करिए आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स नवंबर ट्वेंटी थ्री का ये आपका अपडेट है इंस्ट्रक्शन फॉर फाइनल काउंसिलिंग फॉर एडमिशन टू वेरियस यू जी एंड पी जी प्रोग्राम ओके तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी बोला गया है और यहाँ पर आपका जो कि है काउंसिलिंग प्रोसेस किस तरीके से होगा सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है तो फर्स्ट यहाँ पर आपका बोला गया है द फाइनल काउंसिलिंग फॉर एडमिशन टू वेरियस यू जी एंड पी जी प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन ट्वेंटी नाइन नवम्बर थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली तो जो कि यहाँ पर आपका ट्वेंटी नाइन नवम्बर में होगा केवल यहाँ पर आपका ऑनलाइन मोड में ही ये होने वाला है नेक्स्ट जो बोला गया है कैंडिडेट्स विलिंग टू टेक एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा जो भी यहाँ पर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो भी यहाँ पर आपका होने वाला है ओके okay, तो दोस्तों सेकंड में यहां पर आपको बोला गया है फॉर फाइनल काउंसलिंग थ्रू गूगल फॉर्म विल कमेंस फ्रॉम ट्वेंटी फाइव एंड विल बी ट्वेंटी फाइव नवंबर से लेकर ट्वेंटी एट नवंबर तक ये आपका होने वाला है जो कि गूगल फॉर्म यहां पर आपको भरना होगा एट द इलेवन फिफ्टी फाइव पी एम ओके तो इलेवन फिफ्टी फाइव पी एम तो यहाँ पर आपका लास्ट रहेगा टाइम ओके okay. नेक्स्ट बोला गया है एनरोलमेंट फॉर फाइनल काउंसलिंग इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन दी फाइनल काउंसलिंग ओके तो यहाँ पर जो कि है आपको एनरोल करना होगा जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कैंडिडेट्स मस्ट पे द नॉन रिफंडेबल एनरोलमेंट फी तो यहाँ पर आपको फी देना होगा जैसे कि जनरल ओ बी सी नॉन कम्यूलियर एंड ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स के लिए वन थाउजेंड यहाँ पर आपका रहेगा एंड द एस सी एस टी गर्ल्स पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका फाइव हंड्रेड रहेगा टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल काउंसलिंग एंड टू टेक पार्ट इन द एडमिशन प्रोसेस फॉलोइंग मैंसन बैंक अकाउंट तो यहाँ पर जो कि आपको पेमेंट करना होगा पेमेंट ऑफ द एनरोलमेंट फी डी द एडमिशन टू द कंसर्न प्रोग्राम तो यहाँ पर आपका दे, दिया गया, दे, देख सकते हो अकाउंट नंबर ने अकाउंट यहाँ पर है नेम ऑफ द बैंक है ब्रांच है तो इस, इस तरीके से यहाँ पर आपका दिया गया है यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा नेक्स्ट बोला गया कैंडिडेट हेस्ट मैं द ट्रांजेक्शन आई डी इन द गूगल फॉर्म एंड ऑल्सो अपलोडेड स्क्रीन शॉट और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ पेमेंट तो यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म में इसका जो कि है ट्रांजेक्शन आई डी देना होगा इनकेस अ फॉल्स क्लेम ऑफ पेमेंट द एडमिशन द कैंडिडेट्स एडमिशन इज लेवल टू कैंसलेशन ओके तो यहाँ पर जो कि आपका एडमिशन कैंसिल होने का भी चांसेस रहेगा किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका फॉल्स होता है तो पेमेंट में ओके okay, नेक्स्ट जो बोला गया है कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड ऑन द समर्थ पोर्टल एंड द कैंडिडेट्स हुव नॉट रजिस्टर्ड ऑन द समर्थ पोर्टल बट है वेलिड सी यू सी टी स्कोर ओके okay. जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे समर्थ पोर्टल में उनको भी यहाँ पर आपका चांस दिया गया है और जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे सभी यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसके पास वैलिड एन का और सी सेट का यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड है ओके आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एंड टेक पार्ट इन द एडमिशन इन द फाइनल काउंसिलिंग ओके नेक्स्ट जो बोला गया है प्लीज नोट कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द प्रीवियस ओपन काउंसिलिंग सुपर निमरी कोटा काउंसिलिंग एंड हैव नॉट सिक्योर एडमिशन शुड ऑल्सो गेट एनरोल्ड इन द फाइनल काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी प्रकार से एडमिशन नहीं लिए हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो फाइनल काउंसलिंग में यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो राइट नेक्स्ट जो बोला गया है कैंडिडेट्स आर एडवाज एडवाइज टू बी इन टच विद द कंसर्न डीन एस ओ डी और कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम टू हैव द लेटेस्ट नॉलेज ऑन द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑफ द करस्पांडिंग प्रोग्राम तो यहाँ पर जो है आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपका बातचीत करना होगा जैसे कि यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में जो भी यहाँ पर आपका वैकेंसीज अभी तक है डीन या फिर एच और कोऑर्डिनेटर राइट नेक्स्ट जो बोला गया है यूनिवर्सिटी विल लर्न बी फॉर एनी टेक्निकल ग्लिज एसोसिएटेड विद द एनरोलमेंट फी पेमेंट ओके एंड अटेंडिंग द फाइनल काउंसिलिंग थ्रू द ऑनलाइन मोड यूजिंग द गूगल मीट लिंक तो यहाँ पर जो है किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट्स के साइड से यहाँ पर यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है राइट नेक्स्ट जो बोला गया है इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एट द फाइनल काउंसिलिंग तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर आपको देखना होगा ही जरा एडमिशन सेल बी कैंसिल इफ़ द एलिजिबिलिटी क्लेम बाय हिम और हर इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होते है तो बाद में भी यहाँ पर आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा ओके नेक्स्ट बोला गया है जॉइनिंग थ्रू द गूगल मीट लिंक फॉर फाइनल काउंसिलिंग इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन ओके तो यहाँ पर आपको गूगल मीट में यहाँ पर आपका जन होना होगा यहाँ पर मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो इफ़ ही और सी इज़ अनेबल टू जॉइन द गूगल मीट लिंक विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड तो जो भी यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा उसी टाइम में यहाँ पर आप एडमिशन जर्न नहीं लेते हो तो यहाँ पर आपका जो कि है गूगल मीट लिंक में ही ऑर सी विल परफिट हर सीट टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर चांस मिल जाएगा द यूनिवर्सिटी विल नॉट होल्ड रेस्पॉसिबल फॉर एनी टेक्निकल गिलिज फ्रॉम कैंडिडेट्स इन अटेंडिंग द फाइनल काउंसलिंग एंड ज्वाइनिंग इन द गूगल मीट प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी तरीके का टेक्निकल गिलिज के लिए राइट right? नेक्स्ट बोला गया द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट ऑफ़ द एनरोल कैंडिडेट्स हु हैव पेड द एनरोलमेंट फी ओके जो भी स्टूडेंट्स हैं एनरोल किए हो पे यहाँ पर पेमेंट करके उनका जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा डिस्प्ले हो जाएगा इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू पे द फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉलिंग विथ दे सेल फॉर फिट देर सीट एंड द वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स तो यहाँ पर जिसका भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होगा वहाँ पर आपको फ़ी भी पेमेंट करना होगा नहीं तो यहाँ पर है जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट होंगे उनको जो है यहाँ पर चांस मिल जाएगा दिस प्रोसेस सेल बी फॉलोड टिल द लास्ट कैंडिडेट्स हु अटेंड द फाइनल काउंसिलिंग इज एडमिटेड राइट तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा नेक्स्ट बोला गया है कैंडिडेट्स शुड बी शुड बी रेडी विद द अमाउंट तो यहाँ पर आपको पेमेंट यहाँ पर आपको सब कुछ रखना है अकाउंट में एस मैंसन इन द फी स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पर आपका फ़ी स्ट्रक्चर है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो एक्सक्लूड द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस तो चार्जेस भी यहाँ पर आपका जो भी लगेगा उसको छोड़ के जो भी आपका पेमेंट का फी होगा उसको यहाँ पर आपको सब कुछ देखना है टू पे द टू पे द फी थ्रू द ऑनलाइन बोर्ड ओनली तो सब कुछ यहाँ पर आपको ऑनलाइन में देना होगा इफ़ यूर सी सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम तो यहाँ पर आप सिलेक्टेड होते हो तो यहाँ पर आपको फी पेमेंट करना होगा जो कि यहाँ पर आपका टाइमिंग दिया गया है तो फी द पेमेंट ऑफ द फी इज मैंडेटरी टू कन्फर्म और हर एडमिशन टू द क्लेम प्रोग्राम ओके तो यहाँ पर आपका कन्फर्म होगा आप पेमेंट यहाँ पर आप करते हो तो यह आपका मैंडेटरी है ओके नेक्स्ट बोला गया है द फ्री फॉर ड्यूरेशन फॉर द फी पेमेंट इज थ्री आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हिज और हर सिलेक्शन तो सिलेक्शन के बाद जो कि आपका फी पेमेंट का टाइमिंग होगा थ्री आवर का यहाँ पर आपका दिया गया है हाउ एवर द ड्यूरेशन फॉर द फी पेमेंट विल बी एक्सटेंडेड अप टू ट्वेंटी फोर आवर अंडर द एक्सेप्शनल कंडीशन तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है जो कि इसका टाइमिंग ट्वेंटी फोर आवर तक एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पर जो कि है एक्सेप्शन यहाँ पर आपका बोला गया है ओके द यूनिवर्सिटी विल नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेक्निकल ग्लिज कनेक्टेड विथ फी पेमेंट राइट right? नेक्स्ट बोला गया है डीन एन एच ओडी और कॉर्डिनेटर ऑफ कंसर्ट प्रोग्राम विल कम्युनिकेट द कैंडिडेंशियल ऑफ द गूगल मीट लिंक टू एनलोल कैंडिडेट्स ई मेल तो यहाँ पर जो कि आपका ई मेल होगा यहाँ पर आपको गूगल मीट का यहाँ पर सब कुछ आपका कम्युनिकेट किया जाएगा कैंडिडेट्स प्रोवाइड द ईमेल आई इन द एनोल फॉर्म जो भी यहाँ पर आपका फॉर्म में दिए होंगे एम एल उसी ई मेल में ओके ओनली टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल काउंसिलिंग फॉर एडमिशन टू करेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम जो कि यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जो कि ई मेल का जो कि आपका होगा नेक्स्ट बोला गया है ऑल द एलिजिबल एनरोल कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट थ्रू गूगल मीट लिंक टू बी शेयर बाय द डीन एच और कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम ओके जो भी प्रोग्राम होगा उसी प्रोग्राम में जो भी होंगे डीन और एच ओ यहाँ पर आपका है सब कुछ यहाँ पर आपको गूगल मीट का लिंक जो है शेयर कर लेंगे सब कुछ यहाँ पर जो नेक्स्ट बोला गया है एनरोलमेंट फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल काउंसिलिंग विल भी डिस्प्ले ऑन द वे जो कि वेबसाइट में सब कुछ यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा ओके द वैकेंसी फॉर द कंसर्न कोर्स विल भी ऑल्सो डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में सब कुछ आपका डिस्प्ले हो जाएगा जो भी वैकेंसीज होगा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन द रि दिस रिकार्ड ओके जो भी यहाँ पर आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा तो इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ आ, आपको विजिट करना होगा ओके रेगुलरली ओके यहाँ पर आपका फाइनल बोला गया है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू अल्टर और मॉडिफाई द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ ओपन काउंसलिंग और इवन द कैंसिल द शेड्यूल ऑफ़ द ऑनलाइन मोड ऑफ ओपन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ओके तो जो भी यहाँ पर आपका चेंजेस होता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ मिल जाएगा इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में रेगुलरली विजिट करना होगा ओके तो दोस्तों ये था क्योंकि आपका सब कुछ इंस्ट्रक्शन तो हम आपको बता दिए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तो कर्नाटका की तरफ से था जो कि फाइनल काउंसिलिंग को लेकर है तो दोस्तों किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग